नमस्कार दोस्तों, इस सक्सेस पॉइंट की तरफ से ये वीडियो जो मैं लाया हूँ, लोअर पीसीएस 2019 का सलूशन। लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुआ था। कुल 4 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे, इसमें से ये 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटे में 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आए थे। इसमें से 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए थे। तो ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम UPPCS लोअर PCS का मेंस होना है, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं SSC हैं, इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य का सचिवालय भवन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही जवाब है इसका पश्चिम बंगाल सरकार। उत्तर प्रदेश का विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? नदी है कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तो सही जवाब है। ऑप्शन डी कृष्णा। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का हिस्सा था, निम्नलिखित से कौन सी उसकी राजधानी है? तो अजरबैजान का राजधानी कौन सा है? सही जवाब है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। उलन बटोर है राजधानी आपका मंगोलिया का। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एबल प्राइज। एबल प्राइज को मैथ्स का नोबल कहा जाता है। भारत के किस राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो भारत के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का 6 वर्ष का होता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ के भी राज्यपाल का कार्यकाल हो गया 5 वर्ष, यानी ऑप्शन सी। तो भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये आप सभी को पता है, इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, ऑप्शन सी गहरा नीला। ऊपर केसरिया, नीचे हरा, बीच में सफ़ेद पट्टी जिसपे गहरे नीले रंग का चक्र है। वर्ष 1950 से निम्नलिखित किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया? तो आपको पता है आंसर इसका, भारत का राष्ट्रीय फल होता है फलों का राजा आम, ऑप्शन बी। भारत के आंकड़े ग्रुप और ओमान के तेल गैस मंत्रालय निम्नलिखित किस देश का तेल रिफाइनरी बनाने के लिए $3.85 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान साथ भारत ने तेल रिफाइनरी बनाने के लिए $3.85 बिलियन की समझौता किया। भारत के स्ट्रिंग कठपुतली की बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत GI इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं दिया गया। इस गुड़िया किस नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब है कठपुतली गुड़िया, ऑप्शन सी। लक्ष्मी विलास बैंक LVB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक जो 93 साल से चल रहा है, मुंबई के एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हो गया है, उस इकाई का क्या नाम है? लक्ष्मी विलास बैंक 93-year-old बैंक फ्रॉम तमिलनाडु मर्ज विद ए फाइनेंशियल एंटिटी फ्रॉम मुंबई, ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं केवल राइट ऑप्शन ही पढ़ूंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन बी। वह कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, मैं अगस्त वाले करंट अफेयर्स में भी लाया था, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया,
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विदर्भ ने 2018-19 में रणजी ट्रॉफी जीता। फरवरी 2019 में नागपुर में फाइनल में किस टीम को हराया? तो इसका आंसर है सौराष्ट्र। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TFIR के निदेशक कौन हैं? मार्च 2019 तक कौन थे वहाँ के डायरेक्टर? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, संदीप पी त्रिवेदी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहते हैं और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है, आपको पता है, गेस करिए, ऑप्शन सबके सामने, सी, गुड़ी पाड़वा। पंडित महामाना मदन मोहन मालवी के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवी हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो सही जवाब इसका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, माफ करिएगा इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अभी थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है जीविका कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। निम्नलिखित कौन सा खाद्य रोपण फसल नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडिबल प्लांटेशन क्रॉप, जो खाने के लिए यूज़ नहीं होता है, तो रबड़ है, रबड़ जो है नॉट एडिबल है, ऑप्शन सी। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद घाट। तो अस्सी घाट पे एक मूवी भी आई है अभी, तो आपको पता है इसका जवाब है प्रधानमंत्री का चुनावी शहर वाराणसी, ऑप्शन बी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है निम्नलिखित किस ऐतिहासिक परिसर में है? लौह स्तंभ कहाँ पर है? यह है आपके कुतुब मीनार परिसर में। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? वो राज्य का सबसे बड़ा बांध, तो उकाई राज्य, उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पे बनाया गया, ताप्ती नदी ये है आपका गुजरात में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृति आधारित वाक्य है? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया रेडियो AIR, ऑप्शन सी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका मोटो है। निम्नलिखित से किसने अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड में नवीन मार्केट ऐप किया? तो इसका आंसर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कॉफ़ी कनेक्ट। निम्नलिखित किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता को जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक आयोग की शुरुआत की? तो प्रणाम आयोग शुरुआत की है
आसाम ने। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिए, दार्जिलिंग है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, कोची है। तो लोग कंफ्यूज जाएंगे कि दार्जिलिंग होगा, लेकिन सही है कोलकाता। तो द हेड ऑफिस ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। जब एक नई एक्सेल वर्क खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट खुलती हैं? तो इसका सही जवाब है 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे लिखा रहता है नीचे। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसको किस कंपनी ने बनाया, पूछा था फोटोशॉप को? तो यह है एडोब, ऑप्शन डी। एज वर्स सिस्टम निम्नलिखित किस भारतीय आईटी कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? एज वर्स सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इन्फोसिस का है। निम्नलिखित कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये है नेपाल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा है? वो यानी किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सहारनपुर जो है दूसरे राज्य से टचा है, हरियाणा से टच करता है, देवरिया बिहार से टच करता है, हरदोई किसी से टच नहीं करता। तो ना राज्य से ना ही आपका किसी स्टेट से। ललितपुर आपका नीचे मध्य प्रदेश से टच करता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन किस जिले से हैं? यूपी के, सबको पता है, इलाहाबादी भैया, यह प्रयागराज। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान वृंदावन मथुरा के पास। कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो ये है बारहसिंघा। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा। देखिए यूपी स्पेशल क्वेश्चन थे ये, बांके बिहारी मंदिर, अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान, सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा था। तो सहारनपुर में लकड़ी का नक्काशी होता है, जिसका ऑप्शन सी सही है। देखिए सारे यूपी स्पेशल है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI, यह आपका बरेली में, ऑप्शन बी। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन के शासकों को किस नाम की उपाधि दी गई थी? तो अवध के राजा को क्या कहा जाता था? नवाब, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा है नई दिल्ली में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम है मैसूर के पास, कर्नाटक में। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी निम्नलिखित किस संस्थान की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय विद्या भवन की स्थापना KM मुंशी जी ने की थी। पूर्वा विश्व होलोकास्ट शब्द का विशेष रूप से किसी देश के साथ जोड़कर देखता है? होलोकास्ट जो है रिलेटेड जर्मनी से, ऑप्शन ए। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो ऑप्शन थे, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाना। तो कोतवाल काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुगल काल में, उसी से कोतवाली देखिए चलता है यूपी पुलिस हर जगह। बाल विवाह
अवरोध अधिनियम 1929 नाम से जाना जाता है, विवाह के लिए बनाया गया था, इसमें एज फिक्स की गई थी, तो ये शारदा अधिनियम है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे यानी मुंबई में की थी, उस समय का बॉम्बे आज का मुंबई, 1875। मेगास्थनी जिसे भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा था, वो मूल रूप से किस देश के थे? तो इंडिका के ऑथर लेखक मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो ये थे ग्रीस के, ग्रीक थे ये, ग्रीस के रहने वाले थे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद कहा जाता है, ये किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद है यूपी के, देखिए यूपी स्पेशल था, जौनपुर में, अटाला मस्जिद जौनपुर। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश समय के लिए आगे पीछे घंटों की संख्या मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनविच है लंदन में। भारत का समय यहाँ से 5:30 भारत आगे है ग्रीनविच से। प्लस चोलनाकाइन कुरुम्बा कुटनाकाइन कादर कोरगा भारत के किस भाग के आदम जनजाति समूह है? आदम तो ये है केरल की, ऑप्शन सी। हीरो साइकिल दुनिया में सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किसी शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है हरियाणा का सोनीपत, पहलवानों का शहर सोनीपत, वहाँ से हीरो साइकिल स्टार्ट हुआ। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व में किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो सही जवाब है लंदन। थैंक यू दोस्तों। तो आइए, आपने देखा 50 क्वेश्चन आपके जो हैं जीके के, जो लोअर पीसीएस एग्जाम में 30 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर के सॉल्यूशंस और जीके के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। हमारे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करिए कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।